ये है हमारी भारतीय रेल, ट्रेन नंबर 12820 आनंद विहार से चली है उड़ीसा संपर्क क्रांति भुवनेश्वर के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि कॉकरोच इतने हैं कि कभी यात्रियों के सामान पर चढ़ते हैं, कभी सीट पर, कभी यात्रियों के शरीर पर चढ़ते हैं। हर जगह कॉकरोच ही कॉकरोच हैं। कई यात्रियों का ये भी कहना है कि वे कॉकरोच की वजह से ठीक से निश्चिंत होकर सो नहीं पाते, क्योंकि डर है कि कॉकरोच कहीं उनके कान में न चला जाए। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि रेलवे, जो आपसे किराया पूरा लेता है, आपको एक कंफर्टेबल यात्रा का जो उसका वादा है उसे पूरा कर रहा है। देखते हैं, हमने कुछ यात्रियों से भी बात की है और कॉकरोच की समस्या के अलावा आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बाथरूम और पानी की जो व्यवस्था है वो भी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पानी एक बूंद भी नहीं है इस कोच में, S1 कोच है ये। और बाथरूम में जब पानी नहीं हो तो आप समझ सकते हैं क्या हाल हो सकता है, और फ्लश टूटा हुआ है तो स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल यात्रा करने लायक यह कोच नहीं है। ये कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ पे। ये है ट्रेन का हाल, ये है ट्रेन का हाल, स्लीपर डिब्बा है ये। आपके शरीर पर भी घूम रहा था अभी, आपके पैर पर। ये स्लीपर का हाल है, ये आप देख सकते हैं स्लीपर का ये हाल है। और ये इसी डिब्बे का हाल नहीं, ये पूरे बॉगी का यही हाल है। और ये जो चल रहा है आपको दिख ही रहा है, बाकी अंदर खाने वाने का सिस्टम में भी यही होगा। तो जिस हिसाब से पैसे ले रहे हो उस हिसाब से ये काम नहीं हो रहा। ये देखिए पीछे, ये अभी भी घूम रहे हैं। साफ सफाई तो है ही नहीं। बारह 820 ट्रेन नंबर है उड़ीसा संपर्क क्रांति, और इसके ट्रेन की हालत बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। ना बाथरूम में पानी है ना कुछ है, और ये कॉकरोच इधर उधर घूम रहे हैं। ये मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है, जैसे कि नॉर्मल स्लीपर क्लास भी होता है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जनरली जैसा हाल कर रखा है इसका। तो मेरी आपसे विनती यही रहेगी कि आप इसको जो भी है प्रॉब्लम सही करें। अगर पैसे ले रहे हैं आप तो इन सब पे लगाएं कहीं और काले धन ना बनाएं। जय श्री राम। पिछले के पीछे पीछे पूरे बहुत आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये है S1 कोच, और नल बिल्कुल सूखा हुआ है, पानी एक बूंद भी नहीं है। ये है टॉयलेट का हाल, पानी है ही नहीं, और ये आप देख सकते हैं ये है फ्लश का हाल, टॉयलेट से बदबू आ रही है क्योंकि पानी है नहीं और भरा हुआ है। बताइए बताइए, दिक्कत सब लोगों को है, क्या सब दिक्कत है ये बताइए। दिक्कत तो है, मेरा बैग चोरी हो गया आनंद विहार से, मैं चढ़ रहा था ट्रेन का अंदर से, मैंने ऊपर सीट में रखा था, चढ़ रहा था, दूसरा बैग ये कर रहा था, कोई ऊपर से ले चला गया। अच्छा, तो कंप्लेन नहीं किया आपने? कंप्लेन किया हूँ। हाँ, पुलिस फोर्स का कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। हाँ, ठीक है। और कोई आया था आपसे? आपसे पुलिस वाला एक आया था, लिख के ले गया। हाँ, मेरा PNR नंबर और कुछ ले गया। और ये बोलता हूँ आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए। और चोरी के अलावा और क्या सब दिक्कत है? एक और दिक्कत, जो साफ सफाई बिल्कुल गंदगी है, कॉकरोच घूम रहा है, हम सो जाएंगे कान में घुस जाएगा तो हम क्या काफी काफी ये सब साफ सफाई सही से नहीं है। कॉकरोच ये देख सकते हैं आप, बोलिए। ये कॉकरोचेस आप देख सकते हैं, ये बंदा कोई सो भी नहीं सकता है, मतलब कोई खाना खा रहा है तब आ जा रहा है, और सोएंगे तो कान में अगर चले जाए या नाक या मुंह में, तब आप ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आप बताइए क्या सब दिक्कत है। ये सब है, गंदगी बहुत है, और सर ये सब
दिक्कत परेशानी है, तो इसको ज़रा आप सुधारें, इसका कोई निर्णय निकालें। रात रात दिन में सोए हैं, अभी कान में मेरे कॉकरोच घुस गया, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अब बताओ क्या करें मैं। यही यही सब बात है, इसका मरम्मत कराइए सर।